बार बार में खाली स्क्रीन पर दो तीन बार बैठ के बात भी हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा था। अब वो जबरदस्ती किताबें लगाना चाह रहे हैं भाई, जबरदस्ती मतलब गार्डियन में कॉन्सेंस ही होगा। एनसीईआरटी तो आपको कंपलसरी लगानी पड़ेगी, उसके साथ अगर एडिशनल लगाना चाहिए तो आपको गार्डियन की इच्छा बिल्कुल नहीं है, मतलब इतने लोग ज्यादा प्रोफेसर सब चीज कर दिया है। क्या बात किया आपने दिया प्रत्येक पांच कमरों के जाएगा, उसमें एक किसी सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी समिति में रखा होगा। जो बाहर से पैसा बनवाते हैं पीने या तुम लोग क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे गार्जियन तो बेचारे जो है धक्के खा रहे हैं ना, ये तो खाली भी मतलब ये विषय भी लगभग लगभग एक महीने से हम लोग को ये जानकारी में है, और हमने इससे पहले तहसीलदार महोदय के माध्यम से भी हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया था और वार्ता करी थी। आज इसी क्रम में अभिभावक को हमें लगा या अभिभावक को लगा कि उनको कोई शायद रियाय नहीं मिल पा रहा है, और विद्यालय प्रबंधन कोई विद्यालय प्रबंधन जो है मुखबानी से जो है अपने पाठ्यक्रम चलाना चाह रहे हैं, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने अभिभावक के साथ मिलकर एसडीएम महोदय से बात की है, और एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया कि कल विद्यालय शिक्षा विभाग की टीम के साथ एक मौके पर जाकर विद्यालय प्रबंधन से वार्ता करेंगे, और हम चाहते हैं कि अभिभावक को न्याय मिले। हम अभिभावक के साथ बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे क्षेत्र में कुछ पब्लिक स्कूल्स अपनी मनमानी में उतर आए हैं, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और हम इस विषय को लेकर के पूर्व में भी हमारे उच्च अधिकारियों से मिले थे क्षेत्र के, तो उन्होंने भी संज्ञान लिया है, आज एजेंट साहब से बात हुई है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, और कल एजेंट साहब ने कहा है कि कल विद्यालय में जाकर के स्वतः ही इसका संज्ञान लेंगे, देखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गरीबों को न्याय मिलेगा। और इस महंगाई के दौर में जिस प्रकार से मनमाने पुस्तकों को छुपा जा रहा है, ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। हम सब इसको देखिए, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो भी बुक्स कोई स्कूल लगाता है या तो वो एनसीईआरटी की बुक्स ही हो या एनसीईआरटी के पैटर्न में कोई अन्य बुक होंगी, लेकिन उसकी प्राइस जो है इक्विवेलेंट होनी चाहिए। लेकिन शिकायत यह प्राप्त होगी अभिभावकों से, सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा में ऐसी बुक्स लगाई जा रही हैं जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, और इससे अभिभावकों पर अननेसरी फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। लिहाजा मैंने बीओ साहब को इसके मैं जांच करने के लिए आदेश किया था, उन्होंने जाँच आख्या अपनी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए इनके अभिभावक दोबारा मेरे पास आए। तो कल हमने इसकी डेट फिक्स की है कि 11 बजे हमें ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे बीओ साहब और मैं, और देखेंगे कि अगर इसका सर्कुलर की कोई अवहेलना हो रही है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में जाँच की जाएगी? देखिए, सारे विद्यालयों की जाँच की जाए, जो भी अगर सर्कुलर का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। थैंक यू।